ग्राम पड़रिया में 700 जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। 20 सितंबर 2012 में ये बना हुआ था और अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है। आप पहले कहाँ लेके गए थे मरीज को? सुल्तानगंज गए थे। आपके पास पैसा था थोड़ा बहुत? अरे बिल्कुल भी नहीं था। फिर कैसे गए आप? अरे एक से मांगे तो बारह था थोड़ी सी। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई? तो डिलीवरी में भी मैंने पैसा मांगा थी, तब बता पैसा हो जब तो पंदे तो कैसे उनके पैसा करे अपन ने 500-500 रुपया लाओ उनने चार ने। फिर डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, लड़का या लड़की? लड़की। तो आपकी लड़की अभी है कि नहीं है? नहीं, वो तो समाप्त हो गई। कब? परसों के दिन, बुध के दिन। बुध के दिन आपको डिलीवरी का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। और से जितना भी खर्चा पानी कुछ भी नहीं मिला? कोई भी चीज। आपके पास बीपीएल का कार्ड नहीं है? नहीं। और कौन सा कार्ड है? कोई भी कार्ड नहीं। अभी मरीज की अभी कोई भी उम्मीद नहीं है? नहीं, हाथ पैर पे सूजन है, ज्यादा है, और हाँ आँखों में पीलापन है भी है, और बहुत ज्यादा हालत डाउन है। बहुत परेशानी उठा रहे हैं, जो का अस्पताल धरे फिर रहे हैं, हाथ लगाते हैं तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बिल्कुल धगा नहीं लगा दी, चिल्लात है कि तो पकड़ रही हो, मार रही हो। तो ये इतने दिन हो गए बिल्डिंग बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर, तो इसमें किसी ने आरोप नहीं किया, नहीं किसी ने आवेदन नहीं दिया? नहीं दिया। 1 तारीख के बाद उसी दिन खुलती होगी, बाकी दिन भी देख फिरने भी नहीं आती क्या, मतलब टीकाकरण होता उस दिन? हाँ, उस दिन आती है, उसके बाद में नहीं आती। तो आप लोगों को कोई आय नहीं है, गोली भी नहीं मिलती? नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या नर्स आए अति शीघ्र। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करती हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या नर्स स्थायी रूप से किया जाए। मैं इस वीडियो को देखने वालों से निवेदन है कि इस नंबर 888-952-1882 पर कॉल कर मेरी मदद करें। मैं श्रीमती संगीता ठाकुर ग्राम पड़रिया से इंडिया अनहट के लिए।